हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूं आपका राशिफल लेकर, जो कि है 6 जून का राशिफल। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगी कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता ही है ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। और ज्योतिष वास्तु संबंधी जानकारी इस चैनल पर आपको दी जाती है। प्रतिदिन आपका राशिफल भी शुरू हो चुका है और राशिफल के अलावा मैं भविष्य में आपको और भी बहुत से सरप्राइज़ दूंगी, जिससे कि आपको लगेगा कि वाकई में ज्योतिष संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर आपको दी जा रही है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे सब भाई बहन बहुत प्रसन्न रहें, बहुत तरक्की करें ज़िंदगी में। और राशिफल एक मार्गदर्शन के रूप में आपके सामने आता है, जिसके आधार पर आप अपने दिन के जो कार्यक्रम है डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, फल तो कर्म से ही मिलता है, मेहनत से ही मिलता है। और मैं कभी भी आपको अंधविश्वास की ओर नहीं धकेलती हूँ कि आप पूरी तरह से इस पर डिपेंड हो जाएं। यहाँ पर आपको दिन को बैलेंस करने के लिए, दिन को मैनेज करने के जो मार्ग है वो बताया जाता है, और उसके आधार पर आपको सुविधा रहती है कि आज आपके लिए क्या काम करना बढ़िया है या क्या ऐसा कौन सा काम है जो आपको आज नहीं करना चाहिए, उसको टालना चाहिए एक दो दिन के लिए। तो यही हमारा प्रयास रहता है। तो आइए राशिफल चालू करते हैं। ये राशिफल लग्न पर आधारित है। जैसा कि मैं पूर्व में कह चुकी हूँ कि इसे लग्न फल ही कहना ज़्यादा उचित होगा, लेकिन क्योंकि जब बोलचाल की जो लैंग्वेज होती है वो इतनी ज़्यादा लोगों पर हावी हो जाती है कि जब उसको दूसरे शब्द के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो लोग उसको नहीं समझ पाते। यही कारण है कि मैं टाइटल में भी लग्न फल की जगह अभी राशिफल ही लिख रही हूँ। तो आइए इससे पहले मैं राशिफल प्रारंभ करूँ, मैं आपको बताती हूँ आज का पंचांग। 6 जून 2018 ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की जो तिथि है वो सप्तमी बनी है मित्रों, और वार बुधवार है। शतभिषा नामक नक्षत्र है, विषकुंभक नामक योग है, ये योग भी अच्छा नहीं माना जाता है, बव नामक करण है, और चंद्रमा संपूर्ण दिन कुंभ राशि में संचार करेंगे। क्योंकि ये जो कुंभ राशि है ये शनि की राशि है, तो संपूर्ण दिन चंद्रमा शनि की इस राशि में संचार करेंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ सूर्योदयकालीन ग्रह स्पष्ट ग्रहों की क्या स्थिति है। जो सुबह सुबह का जो ग्रह स्पष्ट होता है भारतीय समय के अनुसार, ये 5:30 का जो टाइम होता है उसके आधार पर होता है। उस टाइम पर एक्चुअली क्या ग्रहों की स्थिति है ये क्लियर किया जाता है, और यही मैं आपको बता रही हूँ। तो उस सूर्य चल रहे हैं वृषभ में, और जो जिस राशि में सूर्य चल रहे होते हैं पहला लग्न वही होता है। तो सूर्योदयकालीन कुंडली जो है वृषभ लग्न की है, जिसमें कि सूर्यदेव अवस्थित हैं और साथ में बुध देव भी हैं। मिथुन राशि में शुक्र चल रहे हैं, कर्क में राहु है। बृहस्पति देव जो देवगुरु बृहस्पति हैं तुला में हैं, अपने शत्रु शुक्र की राशि में। शनि देव बृहस्पति की राशि में चल रहे हैं, धनु राशि में। और मकर राशि में मंगल और केतु की युति बनी हुई है। मंगल देव उच्च के चल रहे हैं, काफ़ी पावर में हैं, और चंद्रमा जैसा मैंने अभी बताया आपको कुंभ राशि में संपूर्ण दिन संचार करेंगे। मूलांक आज बना है 6, और भाग्यांक आपका जो भाग्य देने वाला जो नंबर है वो है आपका 5। तो 6 और 5 वैसे भी कंफर्टेबल नंबर हैं, बड़े अच्छे नंबर हैं। जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनको अग्रिम बधाई, और उनके लिए जो जीवन है बहुत सुखमय बने, जीवन में बहुत कुछ वो कर सकें, जिससे अपने घर वालों का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें, चमका सकें अपने कुल को। तो आइए अब ये सब बातें आगे बढ़ाते हैं और हम प्रारंभ करते हैं आपका राशिफल, जो कि मैं प्रारंभ कर रही हूँ मेष राशि लग्न से। मेष लग्न वालों के लिए सबसे जो सुखद बात है वो ये है कि बड़े भाई से अब तक जो संबंध खराब चल रहे थे, तो बड़े भाई से आपको ज़बरदस्त लाभ के योग मिल रहे हैं। बड़ा भाई आगे बढ़कर ही आपसे बात करेगा, और आप उसको महसूस होगा कि बीच में जो आपके बीच थोड़ा सा गैप आ गया था वो गैप आपका दूर होगा। तो बड़े भाई के साथ साथ आपके कुछ अर्निंग के भी सोर्सेज क्लियर होंगे जो अब तक आपको क्लियर नहीं हो पा रहे थे। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न वालों के लिए मौज शौक में दिन बीतेगा। किसी परिचित की तरफ से, किसी रिश्तेदार की तरफ से शुभ समाचार आ सकते हैं, और वो शुभ समाचार बहुत ही उत्साहवर्धन करेंगे, मन में बहुत ही प्रफुल्लता देने वाले होंगे। इसके अलावा कोई भी आगे से बढ़कर एक कोई ऑफर आ सकता है जॉब से रिलेटेड, तो वो भी आपके लिए एक शुभ समाचार ही साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों का अभी टाइम जो है काफ़ी मस्ती में, मौज में बीत रहा है, काफ़ी कुछ उल्लास का माहौल बना हुआ है, खूब शॉपिंग हो रही है, तो कुल मिला के आपके लिए बहुत बढ़िया है। बुटीक वाले जो लोग हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, जो लोग एक्टिंग क्षेत्र में हैं उनको भी बहुत लाभ मिलेगा, गायकों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। कर्क,
कर्क लग्न वालों के लिए स्वास्थ्य का पाया कमज़ोर है, तो एक दो दिन टालिए, ज़्यादा थकावट महसूस होगी, थोड़ा सा रिलैक्स रहें, गर्मी से भी परेशान होंगे, वो वैसे तो सभी हो रहे हैं, सभी लग्न वाले ही हो रहे हैं, पर कर्क लग्न वालों को थोड़ी सी समस्या अभी ज़्यादा है एक दो दिन तक। और परसों भी वैसे मुझे लगता है दोपहर बाद से जो स्थिति है वो काफ़ी अनुकूल हो जाएगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सिंह लग्न वालों के लिए लव लाइफ को बना लीजिए, लाइफ पार्टनर जो हैं उनके साथ संबंध बहुत पहले से भी अच्छे होंगे और ज़्यादा अच्छे होंगे, और ये जो दिन है अपने लव वन के साथ ही आपका आज बीतेगा। अब हम बात करते हैं आपके लिए कन्या लग्न के लिए। सफलता के जबरदस्त योग हैं, जिस काम में भी हाथ डालेंगे सफलता मिलेगी, मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं आज, तो लगे रहिए अपने काम में और सफलता का स्वाद चखिए और परिवार को भी गौरवान्वित कीजिए। तुला के लिए शिक्षा का जो वातावरण है वो काफ़ी अनुकूल है। सबसे बड़ी चीज़ है क्या सब्जेक्ट लेना चाह रहे थे, क्या सब्जेक्ट नहीं लेना था, इसका क्लियरिटी हो जाएगी और जो टाइम है काफ़ी अच्छा बन रहा है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। थोड़ा सा मानसिक संताप रहेगा, मानसिक परेशानियां रहेंगी, मन में कोई जटिलताएं चलेंगी और समझ में नहीं आएगा कि ये जटिलताएं क्यों चल रही हैं, लेकिन दो चार दिन में ही टाइम फेवरेबल बन जाएगा। अब हम बात करते हैं धनु लग्न वालों की। नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल सोचते हैं, कुछ ज़्यादा ही कर्मशील हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में जाकर हर चीज़ का चिंतन मनन विश्लेषण कर रहे हैं इन दिनों, लेकिन फिर भी निकलिए, इतना गहराई तक जाना ठीक नहीं है। बजाय दूसरों के भीतर घुसकर इस तरह की बातों को सोचना कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके बारे में चिंतन करने के स्वयं के बारे में सोचिए, तो समय ज़्यादा आपके लिए बेहतर बन सकता है और दिन काफ़ी अनुकूल बना है। तो दूसरों के बारे में सोचने की बजाय आत्ममंथन कीजिए और अपना ही जो व्यक्तित्व है उसको कैसे परिष्कृत करें इस बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए, तो सफलता मिलेगी। मकर के लिए वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। किसी को कुछ भी बोल देंगे बाद में पछताते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा, पहले ही विचार करके बोलिए, जिससे कि ये पछतावे की जो नौबत है वो नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न वालों की। कुंभ लग्न वालों के लिए दिन अच्छा है, नई नई योजनाएं बनेंगी, नई नई प्लानिंग करेंगे और कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने का भी सोचेंगे, प्रॉपर्टी में भी और दूसरी चीज़ें जिनसे कि आगे चल के अच्छा रिटर्न मिल सके, तो दिन अनुकूल है, कर डालिए इस तरह का काम और इसमें आपको सफलता मिलेगी। मीन लग्न वालों के लिए यात्रा का ज़बरदस्त योग बन रहा है, घर से दूर जाकर कहीं ना कहीं एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन इसमें आपको थकावट बहुत हो जाएगी, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के पाए को संभालते हुए आपको ये ध्यान रखना है। तो ये तो थी कुछ खास जानकारी जो मैंने आज 12 लग्नों के बारे में आपको दी, जो आपका राशिफल जो कि लग्न पर बेस है वो मैंने आपको बताया। अपने दिन की रूपरेखा आप तैयार कर लीजिए और आपको आज क्या काम करना है क्या नहीं करना है उसके हिसाब से आप ये कर लीजिए। कुछ लोग भाग्य का परसेंटेज बताते हैं, पर मेरे हिसाब से इसका कोई खास पैमाना नहीं होता है। ये कुछ इस तरह का होता है कि किसी को कोई बीमारी है और शक्कर की गोलियां दे दी जाती हैं होम्योपैथी की दवा बताकर, और खाने वाला तृप्त हो जाता है कि हाँ मैंने कुछ खा लिया है और मुझे खुशी मिल गई है। कई बार मनोवैज्ञानिक तरीके से भी डॉक्टर इलाज करते हैं, तो ज्योतिष के क्षेत्र में भी ये हो रहा है। और ये परसेंटेज वाला रेशियो कोई 50 बताता है, कोई 60 बताता है, कोई 70 बताता है। खैर, यदि आपको इसमें मज़ा आ रहा है तो ठीक है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, पर मैं निजी तौर पर इस परसेंटेज के रेशियो को वैज्ञानिक नहीं मानती हूँ। और क्योंकि आपका टाइम गुड है या बैड है इतना ही सफिशियंट होता है, फिर भी आपको जैसे होता ना एक सिंपल दाल मिल रही है लेकिन चटकारे और तड़के ये सब चाहिए होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में आजकल खूब तड़का लगाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है जिसका कि कोई औचित्य नहीं है ना कोई उसकी वैज्ञानिकता है। यहाँ जो आपको राशिफल आपका लग्न पर बेस बताए पूरी तरह से आपकी प्लैनेटरी पोजिशन पर आधारित है, जो कि बिल्कुल सार्थक और सटीक है। क्योंकि हम ज्योतिष को मनोरंजन का साधन नहीं समझते, हम कुछ ऐसे चमकीले मसाले लेकर नहीं आते, कुछ ऐसे तड़के बघार नहीं लगाते अपने चैनल में कि आप उसको एक मनोरंजन की चीज़ समझ के चलो आज पंडित जी ने ये बताया, आज ये तड़का लगाया। ये ज्योतिष नहीं है, ये मेरे ख्याल से बजा के मदारी का खेल है और ज्योतिष इससे बहुत उच्च वस्तु है। तो जो लोग ज्योतिष का सम्मान करते हैं और जो वाकई में चाहते हैं कि उनको ज्योतिष के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो, वो मेरे चैनल से जुड़ें, क्योंकि मेरे यहाँ पर मजमेबाजी नहीं है, कोई
शोबाजी नहीं है। जो कुछ आपको बताया जा रहा है वो बिल्कुल आपके ग्रहों की स्थिति के आधार पर, गोचरीय ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपका जो राशिफल है, जो कि हम लग्नफल जिसको बोलते हैं, वो आपको बताया जा रहा है। और इसमें गंभीरता है और निश्चित रूप से अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको इससे लाभ होगा। लेकिन फिर भी जो लोग ज्योतिष को सिर्फ मनोरंजन की वस्तु समझते हैं तो इस मेरे चैनल पर वो चटकारा मौजूद नहीं है। मैं उनको यही बोलूँगी, यदि आपको चटकारा लेना है तो बहुत से जो एस्ट्रो शेफ हैं वो मौजूद हैं, जो नई नई रेसिपी ज्योतिष की पका पका के आपको दिखा रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरे विचार पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।